नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ सोनिया। इस समय की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ सिरसा से हिसार रोड की, जहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे कि एक गाड़ी द्वारा ऑटो को ठोका गया है। ऑटो चालक के साथ साथ जो 6 लोग ऑटो में थे वो भी काफ़ी चोटें आई हैं। आप देखेंगे, आपको आगे से दिखाएंगे कि गाड़ी जो है साइड मारी है गाड़ी ने ऑटो को, और काफ़ी बुरी तरह से ऑटो में जो सवारियाँ थी वो घायल भी हैं। उनको उपचार के लिए एम्बुलेंस में नागरिक अस्पताल पहुँचा दिया गया है। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ पर अधिकारी भी पहुँचे हैं, उनके द्वारा ये गाड़ी देखी जा रही है। हालांकि थोड़ी पीछे एक्सीडेंट हुआ था, पर ये गाड़ी वहाँ से एक बार भगा करके यहाँ तक पहुँचे, पर यहाँ पर पहुँचने पर जो चश्मदीद मौके पर मौजूद थे उनका कहना है कि गाड़ी की जो पेट्रोल पाइप है, डीजल पाइप है, वो फट गई, जिसके कारण गाड़ी में सवार 3 से 4 लोग थे वो मौके से फरार हो गए और गाड़ी यहीं पर छोड़ दी। अब गाड़ी की आपको स्थिति दिखाने की कोशिश करूँगी। आप देखेंगे कि किस तरह से गाड़ी बुरी तरह से ठुकी हुई है। अभी पुलिस ने यहाँ पर पहुँच के इस गाड़ी का पूरा मुआयना भी लिया और गाड़ी खोल कर भी देखी। गाड़ी के अंदर काफ़ी सामान भी है, शायद किसी शादी का था जिसका सामान आप गाड़ी के अंदर देखेंगे। काफ़ी ज़ोर से ये टक्कर हुई है और जो ऑटो में 4 से 5 लोग सवार थे वो भी काफ़ी गंभीर रूप से घायल है। ड्राइवर समेत जो सवारियां थी वो घायल है, जिनमें से एक लड़की बिल्कुल ठीक थी। उसके पुलिस ने मौके पर पहुंच करके बयान ले लिए हैं और आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पहुंचे अधिकारी ने बताया कि अभी जो गाड़ी जिसने ठोकी थी वो भी फिलहाल फरार हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पहुँच के यहाँ की पूरी डिटेल लेकर के आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जल्द ही उनको भी पकड़ लिया जाएगा जिनके द्वारा ये गाड़ी ठोकी गई है। ऐसा है, ये कोई 3-व्हीलर है जो सरसा से कोटली जा रहा था, इसमें ड्राइवर समेत 5-6 सवारियां थी, उसमें एक लड़की तो बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, और कुछ सवारियों को चोटें आई हैं, तो घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। और जो एक्सीडेंटल व्हीकल है
उसका भी पता लगा लिया गया, सिगरी राउंड अप कर लिया गया। आप अभी मौके के ऊपर है मैडम, अभी मौके के ऊपर आपको पता फोटोग्राफी हो रही है, मौके के ऊपर से जो इंजर्ड है उनको भिजवाया गया है, वो जो ठीक है लड़की उसकी स्टेटमेंट लेने के लिए आईओ को नियुक्त किया गया है, जो आगे है उसको सारी की सारी चीज़ें रिकवर कर लेंगे। कितने लोग थे टोटल? इसमें ड्राइवर समेत 6 आदमी बताए गए हैं।